नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल परिवर्तन दास स्कूल पे। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे इस वीडियो में भी अपनी स्क्रीन पे यहाँ लिखा हुआ है, एक बोर्ड लगा हुआ है जहाँ लिखा हुआ है स्मार्ट सिटी वाटर थीम पार्क। और इसका जो लोकेशन है ये लिखा हुआ है मुरौरा मोड़, मुरौरा बाईपास नियर HPCL पेट्रोल पम्प, बिहार शरीफ, नालंदा। मैं इसका लोकेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। मैं आपको दिखाने का ये प्रयास कर रहा हूँ ये कहाँ पे है और इसके अंदर क्या क्या चीज़ है, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। ये देखिए, ये इधर वाटर पार्क आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ थोड़ा जूम करके आपको दिखाते हैं। ये देखिए, आपको यहाँ वाटर पार्क दिखाई दे रहा है। और गर्मी के मौसम में यहाँ अपने बच्चों को ज़रूर लेकर आएँ, और यदि इस बच्चे इस वीडियो को देख रहे होंगे तो आप भी ज़रूर से ज़रूर आएँ। मैं तो आज जा रहा हूँ, देखता हूँ अंदर क्या क्या चीज़ है, और मैं आपको बताऊँगा भी कि वाटर पार्क के अंदर क्या क्या चीज़ है। ये रहा, ये हमारा बाइक रवि सर साथ में, इसी से साथ इसी के साथ हम लोग आए भी हैं। और ये आपका बिहार शरीफ जाने का रास्ता हो गया, और इधर हो गया आपका बरबीघा के जाने वाला रास्ता, और ये जो है ये तिराहा टाइप है, ये इधर पावापुरी हम लोग जाएंगे। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अंदर क्या है, तो आगे बढ़ते हैं। फाइनली हम लोग वाटर पार्क के गेट पर पहुँच गए हैं, और यहाँ बिल्कुल साफ शब्दों में लिखा हुआ है स्मार्ट सिटी वाटर थीम पार्क। और ये निकटपुरा मुरौरा के बाईपास पे अवस्थित है। इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है लोकेशन का, आप लोग देख सकते हैं। इधर पार्किंग का एरिया और धूप यहाँ बहुत ज़्यादा है। यदि ये वीडियो जो ऑनर हैं यहाँ के उनके पास पहुँच जाए तो आपसे हाथ जोड़कर विनती है, बीच में कम से कम एक बड़ा वृक्ष यानी पीपल, बरगद या फिर पाकड़, इस तरह का वृक्ष लगाने का प्रयास करिए। इधर हालांकि एक दो पेड़, तीन पेड़ इधर दिखाई दे रहे हैं जो तकरीबन सूखने के कगार पे हैं। अब मुझे ये मालूम नहीं है कि वो कैसे सूखा है। इधर दो तीन पेड़ दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा इधर पार्किंग का टोटल एरिया है, टिकट भी हमारा कट गया, और टिकट में कितना चार्ज लगा चलिए हम लोग रवि सर से जानते हैं। इधर भी दो तीन पेड़ दिखाई दे रहा है लेकिन सब सूखने के कगार पर है। और जो इसके ऑनर हैं आपसे रिक्वेस्ट है कि बीच में कम से कम एक दो बड़े पेड़ लगाइए, जिससे कि यहाँ छांव भी प्रदान हो और साथ में धूप भी कम लगे। चलिए तो हम लोग जानते हैं रवि सर, कितना का टिकट आया रवि सर? 400 का टिकट है सर, और दो कॉस्ट्यूम का है 50 रुपये। अच्छा, और सर एक लॉकर। टिकट जो है मैं आपको बता दूँ, टिकट का चार्ज जो है मंडे टू फ्राइडे आपका 350 है, यानी 350 का है। इसके अलावा सैटरडे और संडे का आपका जो चार्ज है वो 400 रुपये का। तो आज सैटरडे के दिन हम लोग आए हैं तो आज का चार्ज 400 रुपया है। इसके अलावा 50-50 का दो कॉस्ट्यूम है, कॉस्ट्यूम लेना भी अनिवार्य है। बिल्कुल साफ शब्दों में उधर लिखा हुआ है, मैं आपको जूम करके दिखा दूँ, बिल्कुल साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि सभी ग्राहकों से को कॉस्ट्यूम लेना अनिवार्य है, इसके बिना वाटर पार्क में प्रवेश मना है। यानी 50-50 का आपको दो कॉस्ट्यूम लेना पड़ेगा। देखते हैं कि कॉस्ट्यूम में क्या मिलता है, सब अंदर ही मिल जाएगा। और इसके अलावा 50 रुपये का मैंने एक लॉकर लिया है जिसमें मैं अपना बैग रखूंगा और जो भी हमारे पास ज़रूरी के सामान है मैं उस लॉकर में रख दूंगा। तो चलिए हम लोग इंट्री करते हैं और अंदर देखते हैं कि और क्या होने वाला है, क्या अंदर क्या व्यवस्था है। ये हमारे गार्ड साहब, क्या गार्ड साहब देखिए लीजिए टिकट, और गार्ड साहब के साथ में इंट्री करवाइए हम दोनों का, और अंदर हम लोग देखते हैं कि अंदर क्या क्या चीज़ है। चलिए आगे देखते हैं। चलिए अब हम लोग अंदर एंट्री करते हैं। गार्ड साहब को मैंने अपना टिकट दे दिया है, और ये हमारे हैंड पे कुछ इस तरह से कलाई पर एक राखी के जैसा इन्होंने बांध दिया है, और ये हमारा जो है ये हमारे ख्याल से ये वाटर प्रूफ होगा। और चलिए हम लोग अंदर देखते हैं और अंदर क्या व्यवस्था है, कैसे क्या है। ये देखिए इधर लॉकर रूम है, वॉशरूम और लॉकर रूम दोनों इधर ही है। चलिए ये सब काम रवि सर तब तक अपना करेंगे, इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ, क्योंकि आपको भी देख रहे थे बिल्कुल सॉन्ग और काफ़ी अच्छा माहौल है इधर। देखिए आप देख सकते हैं कि क्या है, पूरा गाना डीजे सॉन्ग लगा हुआ है। बच्चों आपसे रिक्वेस्ट है कि कृपया कर आप जरूर से ज़रूर आएँ और यहाँ के वाटर पार्क का खूब मज़ा लें, खूब इंजॉय करें। मैं आपको पूरा वीडियो में दिखाऊंगा और आगे क्या होने वाला है। सबसे पहले हम लोग कॉस्ट्यूम खरीद ले लेते हैं, देन आफ्टर फिर आगे देखते हैं कि इस वीडियो में और क्या क्या चीज़ होने वाला है। ज़रूर से ज़रूर आप भी आएँ, बहुत मज़ा आ रहा है। कॉस्ट्यूम लेने के बाद फाइनली हम लोग वाटर पार्क की ओर जा रहे हैं, और क्योंकि स्लीपर ही मैंने नहीं पहन रखा है इसके कारण बहुत नीचे जलन हो रहा है। और ये देखिए आप लोग एंट्री कर रहे हैं, अंदर में क्या क्या व्यवस्था है हम आपको दिखाने का प्रयास करते हैं। कॉस्ट्यूम में एक टी शर्ट और एक पैंट हमें दिया गया है, इसके लिए 50 रुपया चार्ज भी लिया गया है, और 50 रुपया मैंने
अपने सामान रखने के लिए लॉकर को मैंने दिया है। इसके अलावा आप देख सकते हैं बिल्कुल यहाँ डीजे सॉन्ग बज रहा है और बच्चों के लिए ये काफ़ी इंजॉयबल प्लेस है। आप भी जरूर आएँ, जरूर से ज़रूर आएँ और देखें यहाँ क्या कैसे है। चलिए हम उस वाले एंगल से दिखाने का प्रयास करते हैं। आप देखिए फाइनली ये वाटर पार्क एक्चुअल यही है। उधर देखिए बिल्कुल समुद्र के जैसा लहर मार रहा है और ये काफ़ी इंजॉयबल प्लेस है। आप बच्चे जो इस वीडियो को देख रहे हैं बिल्कुल रिक्वेस्ट से आ जाइए। अभी तक जो हमने ऑब्जर्व किया यहाँ पे ये काफ़ी अच्छा है। इधर हालांकि अंदर की वीडियो में आप देख सकते हैं बिल्कुल लग रहा है कि बारिश हो रही है। हाँ हाँ, क्या मौसम है, बिल्कुल शानदार, ज़बरदस्त, जिंदाबाद। आप भी आ जाए प्यारो बच्चों, गर्मी की छुट्टी मिली है आपको तो आप भी आकर इंजॉय करिए। यहाँ का बिल्कुल अच्छा प्लेस है, बहुत अच्छा प्लेस है। और मैं तो बस आपको इस वीडियो में ये दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ कि आप भी आएँ और यहाँ एंजॉय करें गर्मी के मौसम में, क्योंकि गर्मी के मौसम में आपको मैंने बोला था कि कहीं आप लोग जाइए, आइए। वाटर पार्क बहुत दूर नहीं है, आपके जो आपके गांव होंगे वहाँ से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, बस थोड़ी दूरी पर है, 10 किलोमीटर या 12 किलोमीटर का दूरी है। तो आइए और आप भी इंजॉय करिए। चलिए हम लोग वीडियो को स्टॉप करते हैं, हम लोग स्नान करते हैं। आधे घंटे स्नान करने के बाद मैंने सोचा कि फिर से क्यों ना एक वीडियो बनाया जाए जिसमें मैं आपको ये वाले पार्क को दिखाने का कोशिश करता हूँ। और इसमें देखते हैं इसमें कुछ ना कुछ तो खास है। देखिए ये जो आपको डब्बा दिखाई दे रहा है ऊपर का, ये डब्बा देखिए अभी कुछ देर में भरने वाला है और भरने के बाद ये ऊपर से डायरेक्ट नीचे गिरेगा। इसमें स्लाइडिंग भी 1, 2, 3, 4 स्लाइडिंग है इसमें। ये देखिए वाह क्या मजा है। इसमें 4 स्लाइडिंग है जिसमें 3 ओपन स्लाइडिंग है और 1 क्लोज स्लाइडिंग है। ये देखिए इधर भी स्लाइडिंग है, ये भी है, ये भी काफ़ी अच्छा है। वो वाह ग्रेट, हमें तो बिल्कुल डर लगता है साइड तरह वाले से। और यहाँ देख सकते हैं आप, मैं आपको ये फुहारे वाला दिखाता हूँ जिसमें बहुत ठंडा पानी, बहुत ठंडा पानी रहता है। मैं भी उसी में बैठा हुआ था तो मैंने सोचा क्यों ना एक वीडियो बनाया जाए और आप सभी बच्चों को दिखाया जाए। देखिए ये रवि कर रहे हैं, बिल्कुल अलग आनंद कर रहे हैं यहाँ बैठ कर। बिल्कुल इसमें आपको एहसास होगा कि ये बिल्कुल बारिश हो रही है और बिल्कुल यहाँ धुंध जैसा दिखाई दे रहा है, क्योंकि पानी की बूंदें इतनी पतली है कि यहाँ बिल्कुल धुंध जैसा लग रहा है। और सबसे ज़्यादा ठंडक यहीं आपको मिलेगा, देख सकते हैं आप। इधर स्लाइडिंग है, ये ओपन स्लाइडिंग, इधर ओपन स्लाइडिंग, उस साइड वाले एरिया में आपका क्लोज स्लाइडिंग है। ये वाला आपका हलफा वाला है, ये तकरीबन कुछ समय के लिए इसको बंद भी किया जाता है, इसके बाद इसको पुनः चालू किया जाता है। जहाँ चालू किया जाता है वहाँ पर भीड़ ज़्यादा हो जाता है। देखिए इधर अभी भीड़ बहुत कम है और यहाँ पर बिल्कुल हलफा आता है, जिस तरह से समुद्र में हलफा आता है उसी प्रकार का हलफा इस ये वाले वे एरिया में आता है। काफ़ी इंजॉयबल प्लेस है, आइए आप भी यहाँ भ्रमण करिए और यहाँ देखिए कि क्या है कैसे है, क्योंकि हर एक व्यक्ति का एंजॉय करने का तरीका अलग अलग होता है। और आप भी यहाँ आकर एंजॉय करिए, आपको भी काफ़ी अच्छा लगेगा, काफ़ी मज़ा आएगा। एरिया जो है बिल्कुल डेंजर जोन एरिया है तो मेरे लिए बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल मुझे डर लग रहा है। देखिए इस प्रकार से यहाँ स्लाइडिंग तकरीबन होगा तो 70 फीट से कम नहीं होगा। ये देखिए ऊपर से स्लाइडिंग करते हुए नीचे आते, बिल्कुल ये हमारे लिए है ही नहीं है। देखिए इधर तक चले जाते हैं और इधर से आते तो इधर तक चले जाते हैं। ये बिल्कुल यूट्यूब पर रहेगा, देख लीजिएगा, यूट्यूब पर देख लीजिएगा। देखिए जो भाई साहब है ये बोल रहे हैं कि मुझे व्हाट्सएप पे दे देना, मैं बता रहा हूँ कि यूट्यूब पर रहेगा, यूट्यूब पर देख लीजिएगा, वहीं से कट कर लेंगे। बिल्कुल हमारे लिए तो ये है ही नहीं, बिल्कुल डर लगता है। मछली का
इसके अलावा भी इधर और भी स्लाइडिंग है, लेकिन यहाँ जितनी भी स्लाइडिंग है वो तकरीबन 60 से 70 फीट ऊंचा है। ये देख बिल्कुल यहाँ जिन्हें पूरा अच्छी तरीका से एक्सपीरियंस है वही यहाँ पर आए। बाकी ये हमारे हिसाब से ये डेंजर एरिया है, डेंजर जोन है। देखिए छोटा छोटा बच्चा आ रहा है परंतु मुझे बहुत डर लग रहा है। चलिए आगे देखते हैं क्या होता है। फाइनली हम लोग स्नान करके बाहर निकल चुके हैं और चलिए मैं आपको अब इस वीडियो को अंत करता हूं। और अंत में एक दो चीज़ और जो छूटा हुआ है इस वाटर पार्क के अंदर मैं आपको दिखाने का प्रयास करता हूं। ये देखिए ये वाटर पार्क में इस साइड ये आपका मेस है, इसमें कुछ फास्ट फूड आपको मिल जाएगा खाने के लिए, लेकिन हमारे ख्याल से यदि इसका फीडबैक दिया जाए तो मैं अच्छा फीडबैक नहीं दूंगा, क्योंकि मैंने यहाँ का रोल खाया लेकिन मुझे पसंद नहीं आया। आप लोग भी आए तो मैं ही चला नहीं दूंगा यहाँ का खाने का, क्योंकि दाम भी काफ़ी हैवी है। एक रोल का यहाँ 50 रुपया लग गया, परंतु कोई प्रकार का यहाँ क्वालिटी नहीं था, मैंने कंप्लेन भी किया। खैर कोई बात नहीं, और भी पूरे वाटर पार्क को लेकर बहुत अच्छा वाटर पार्क है, लेकिन कुछ बुराइयाँ कुछ अच्छाइयाँ हर एक जगह होती है, तो मैं यहाँ की अच्छाइयाँ तो इतना देर बता दिया, कुछ बुराइयाँ भी यहाँ का बता दूँ जिसको कि यहाँ के जो ऑनर हैं वो इम्प्लीमेंट कर सके। एक दो बुराइयाँ हैं वो तकरीबन हर एक जगह मिलती ही है, जैसे यहाँ जो शूज होते हैं या फिर स्लीपर होते हैं वहाँ रखने का कोई बढ़िया व्यवस्था नहीं है। एक लॉकर है, लॉकर के अंदर या तो अपना आप शूज या स्लीपर रखिए या उसके अलावा आप अपना ड्रेस रखिए, तो दोनों को एक जगह कम्बिनेशन करके नहीं रखा जा सकता है, तो आप भी समझ सकते हैं, मैंने उसके लिए भी कंप्लेन किया है। खैर यदि ये वीडियो यहाँ के ऑनर तक पहुँच जाए तो आप इसका ख्याल रखिए, यहाँ के मैनेजमेंट के पास पहुँच जाए तो अपना इस तरह का ख्याल रखिए, क्योंकि आपका ये जो वाटर पार्क है ये बहुत बड़े एरिया को कवर करता है, बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। अभी तक मैंने इतना देर में अभी तक हमारे कोई भी जान पहचान के लोग नहीं मिले, इसका ये इससे ये साफ होता है कि यहाँ लोग दूर दूर से आते हैं और काफ़ी अच्छा है। मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक दो जो यहाँ सुधार करने की ज़रूरत है मैं उसके बारे में बता रहा हूँ। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। आप यहाँ देख सकते हैं ये बारिश का फुहारा है, तकरीबन अब ख़त्म होने को समय, आप यहाँ मैक्सिमम 5:30 तक रुक सकते हैं। तो इस वीडियो को हम भी ख़त्म करते हैं, मैं भी बाहर निकलता हूँ और घर की ओर रवाना होता हूँ। आशा करते हैं कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अति अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिए, गुड वाला कमेंट कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, और यदि अभी तक आप इस चैनल पर नए हो तो कृपया कर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं इस चैनल से पढ़ने लिखने के साथ साथ मैं कुछ और भी मोटिवेशनल या साथ में इस तरह का वीडियो अपलोड करते रहता हूँ। और हमारे जो भी स्टूडेंट हैं मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपने पेरेंट्स के साथ इस तरह के वाटर पार्क में आइए गर्मी की छुट्टी में, ताकि आपका गर्मी की छुट्टी सब सकारात्मक रूप से बीत सके। और आशा करते हैं कि आपका होमवर्क भी बन रहा होगा। खैर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ, तब तक हमें इजाज़त दीजिए, धन्यवाद, जय हिंद।